नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर। मुखातिब हूं आपसे इंडिया न्यूज फैमिली गुरु की तरफ से। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं वो ये है कि अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, तो आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन सीखते चलो। और ये सीखना किसी से भी हो सकता है, चाहे नेचर से हो, किसी व्यक्ति से हो, या किसी भी वस्तु से भी हो सकता है। जैसे कि सूरज और चांद हमें रोजाना डिसिप्लिन सिखाते हैं और शाइन देना सिखाते हैं, दूसरों को रोशनी देना सिखाते हैं। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे फल फूल देना और अपने छाया देना सिखाते हैं। नेचर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद अगर दिए की बात करें तो दिया रोशनी देना सिखाता है, और पंखे की बात करें तो पंखा हवा देना सिखाता है। यहाँ पर बात करें कि चींटी भी हम छोटी सी से सीख सकते हैं। छोटी सी चींटी से निरंतर संकल्प लेकर चलते रहना, आगे बढ़ना सीखते रहते हैं। दोस्तों, हमें रॉकेट डिटैचमेंट सिखाता है, और फाइनल ऑर्बिट में पहुंचने से पहले हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि हम सीखना चाहें तो कोई भी चीज़ से सीख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि अपने जूतों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज़, जूते महंगे हो या सस्ते, ज़मीन पर रहना सिखाते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेटस में हो, हमेशा ज़मीन पर रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर दो पॉइंट, जूते हमेशा हमें पैर में रहना सिखाते हैं। सबके साथ चलने की बात करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो सबका साथ सबका विकास भी याद रखना होगा। तीसरी बात, जितना भी वजन हो सहन करना पड़ता है, तो यहाँ पर अगर आप अपनी समस्याओं का वजन सहन करना जानते हैं तो जूतों से ये भी सीख सकते हैं कि चाहे आपको कितनी भी वजन का व्यक्ति पहने, जूते कभी ये नहीं कहते कि मैं इसका वजन सहन नहीं कर सकता। तो आप हर समस्या से डील कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, तो जूतों से ये सीख सकते हैं। उसके बाद सोल और सोल दोनों मजबूत होने चाहिए। सोल जूतों का सोल और सोल आपकी आत्मा। बिल्डिंग की नींव जिस तरह से मजबूत होती है, उस तरह से हमारा सोल या हमारी आत्मा मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि हम हर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी हर समस्या का समाधान कर सकें और उनसे डील कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों जूतों में एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होता, एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक के बाद एक आगे बढ़ता है, एक आगे जाता है, दूसरा पीछे जाता है, दूसरा आगे जाता है, पीछे जाता है। तो इसका मतलब ये है कि साथ साथ मिलके चलना, एक दूसरे को प्रेरणा देना, मोटिवेशन देना, और इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। और शूज़ हमें हर परिस्थिति में एडजस्ट करना सिखाते हैं। शुरू शुरू में नए नए जूते होते हैं वो काटते हैं, इस तरह से कहीं आप नई जगह में जाते हैं तो छोटे मोटे टीथिंग इश्यूज होते हैं, किसी नई जॉब में, अगर आपने घर शिफ्ट किया है तो भी, अगर आप बिजनेस में भी नए नए बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शुरू शुरू में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को उनके काबिल बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो जूते भी हमें यही सिखाते हैं कि आप छोटी छोटी टीथिंग इश्यू से डील करेंगे तो सब सही हो जाएगा। उसके बाद जूते हमें सिखाते हैं मैं ना करके हम की बात करें। एक जूता पहनकर हम कहीं नहीं जा सकते, दोनों मिलकर ही पहनेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो हम की बात करें, मैं की बात ना करें। और दोस्तों, जूते मरते दम तक साथ निभाते हैं, यानी कि एक के बिना एक जूता नहीं पहन सकते आप, या एक कोई और दूसरा कोई और ये भी नहीं कर सकते। अगर डिस्कार्ड भी करना चाहें तो एक एक जूता करके नहीं कर सकते, दोनों एक साथ ही देना पड़ता है आपको। और जूतों को हमें हर रोज़ साफ करके, पॉलिश करके, हर रोज़ नई समस्या से डील करना, नई जगह जाना और उनको मेंटेन करना, ये भी हमें उनसे सीख मिलती है। इसी तरह से हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम शूज़ को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा, लौट कर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, लौट कर आऊँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन्जॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। धन्यवाद।